उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हरबटपुर में कई फ्लेवर के शहद तैयार किए जा रहे हैं। साल 2019 में रोशन मौर्या ने मधुमक्खी पालन शुरू किया था। वह अलग अलग फ्लेवर में शहद बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। वह सीजन के हिसाब से शहद तैयार करते हैं, जैसे मस्टर्ड, लीची हनी, यूकेलिप्टस हनी, तुलसी हनी, अजवाइन हनी और जामुन हनी जैसी कई वैरायटी उनके पास मिल जाती है। देहरादून के RL मौर्या जो हैं कई तरह के शहद बना रहे हैं। इसमें कई तरह के फ्लेवर्स जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। सीधे जान लेते हैं उनसे कि किस तरह से वो तैयार करते हैं इन शहद को। ये हमने 2019 में शुरू किया था मधुमक्खी पालन, और उस करते करते आज 2024 हो गया है। हम लोग बॉक्स में मधुमक्खी पालते हैं और सीजनली जहाँ जहाँ फूल होते हैं अपने बॉक्स को लेके जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, उसके बाद शहद निकालते हैं। हमारे पास तरह तरह के शहद मिलेंगे, जैसे आपका हो गया है मस्टर्ड हनी हो गया है, लीची हनी हो गया है लीची के फूलों के समय, यूकेलिप्टस के समय यूकेलिप्टस हो गया है, वाइल्ड जंगलों का जब होता है उसका वाइल्ड हनी हो गया है, अजवाइन हनी हो गया, इस तरह के बहुत सारे हनी होते हैं हमारे। और हम शुद्ध हनी अपने कस्टमर तक ऐसे मेलों में प्रदर्शनी के थ्रू पहुँचाते हैं। एक्चुअली ये अकेशिया ट्री होता है कश्मीर में, उत्तराखंड में है बहुत कम, उसे शहद नहीं निकलेगा। अक्सर ट्री कश्मीर में होता है और बहुत कुछ इलाके में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, तो उसका शहद बहुत महंगा ही बिकता है, 2000 रुपये किलो, 2500 रुपये किलो। जो हमारे उत्तराखंड के जंगलों का है ये भी बहुत बढ़िया शहद, 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, इस तरह से। अगर हम जामुन के हमारे जो जामुन के जंगल होते हैं ना उसका हम शहद निकालते हैं, उसको हम शुगर के रोगी को भी दे सकते हैं खाने को, नुकसान नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि जामुन के बीज को, जामुन के छलकों को शुगर के रोगी को डॉक्टर लोग देते हैं, तो वो नुकसान नहीं करेगा। मीठा जरूर होगा मगर फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह हमारे तुलसी का भी है, तुलसी का नहीं, तुलसी के सारे गुण उस हनी में है, थोड़ा कड़वा होगा खाने में मगर सब ठीक होगा। अजवाइन हनी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे अजवाइन जो हम खाते हैं ना तो उससे कब्ज वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे पूरी उससे छूटती है, ठीक होती है। तो अगर हनी खाओगे, और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप 365 दिन एक चम्मच हनी खाइए, अगले साल जब 366 दिन होगा ना, आपके जितना भी मेडिसिन का खर्चा है जस्ट हाफ हो जाएगा। जिसका शरीर थोड़ा हेवी है उसको रेगुलर खाएंगे, साल भर रूटीन में खाना शुरू कर दिए, उसको ही फ़र्क पड़ेगा। आजकल लोग गर्म पानी के साथ लेते हैं इसको, हनी को। तो ये थे RL मौर्या जी, जिन्होंने बताया कि कई तरीके के शहद ये तैयार करते हैं, और हाँ ये सीजनल चीज़ों पर बनाए जाते हैं, जैसे कि तुलसी है और कई तरह के फूल जो जिस भी सीज़न में आते हैं उसी तरह से इन्हें तैयार किया जाता है। यहाँ आपको इस तरह के शहद भी मिलेंगे जिसे डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, जैसे कि जामुन का शहद है यहाँ पर। देहरादून से मेरी नाज़मी लोकल 18 के लिए।